हाँ, मैं लंका में अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था, तो आराम करते करते मेरे को निद्रा आ गई। तो निद्रा आने के कारण मेरे को एक स्वप्न दिखता है। वह स्वप्न क्या था कि मिथिलापुरी का राजा जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहा है और वहां पर छोटे छोटे रजवाड़ों के छोटे छोटे कुछ राजा आए हुए हैं। यह देखकर मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं त्रिलोक विजयी लंकेश, मेरे पास निमंत्रण तक नहीं और वह जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है। सो रहा था अचानक पड़ा हुआ लंका में, स्वप्न में देखा स्वयंवर दृश्य आया है। चौंक उठा त्यों ही, अरे ने क्रूरा की करतूत देखी, अरे तोड़ने को पिनाक मेरी भुजा फड़फड़ाया है। देख के पिनाक फिर ध्यान आया शंकर का, क्रोध तो बहुत हुआ, क्रोध हुआ खैर उसे माफ फरमाया है। एहो बंदी जनो, अरे यो भाटो, आप मेरे पास आइए। एहो बंदी जनो, कह दो पिता से जनक नंदनी जानकी को दत्त भानाए बुलाया है। स्वागत है लंकापति, बैठो बीच समाज, महा महोत्सव का दिवस धनुष यज्ञ है आज। क्या आए? कौन सा महोत्सव है? धनुष यज्ञ है। किसका महोत्सव कर रहे हो, किसका धनुष यज्ञ कर रहे हो? मैं अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहा हूँ। ये राजा भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। हाँ। आपने तो इन सबको निमंत्रण दिया था, मेरा निमंत्रण कहाँ है? लंकेश, हमने आपका भी निमंत्रण भेजा था। कहाँ है फिर मेरा निमंत्रण? परंतु लंका से पहले एक विशाल समुद्र पड़ता है। ठीक कह रहे हो, हमारा भेजा हुआ दूत उस समुद्र को पार करने में असमर्थ था, इसलिए वह आपका निमंत्रण समुद्र को ही सौंप आया। अच्छा। हाँ, समुद्र को सौंप आया। ठीक है, समुद्र को मैं बाद में देखूंगा। हे मित्रेश,